Today I am going to tell you a C language fundamental part 2. In C programming, the one-dimensional array of characters are called string, which is terminated by null character, that is backslash 0. कोई भी string जो C में होती है वो one-dimensional array में या pointer form में declare की जा सकती है और वो array के character को हम string कहते हैं, जो कि null character से end होती है. There are two ways to declare a string in C programming. First is the through array of the character. तो हम उसको character लिख दे, char लिख कर name और जितने character लेने हैं वो define कर देंगे array के अंदर. अब array क्या होती है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे. Through pointer, char लिख के star name लिख देंगे तो वो pointer बन जाएगा. Pointer क्या है ये भी आगे पढ़ेंगे. अभी जस्ट आप जान लीजिए कि स्ट्रिंग को दो तरह से डिफाइन करते हैं, एरे के फॉर्म में और पॉइंटर के फॉर्म में. स्ट्रिंग इनिशियलाइज इन सी. कैसे स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं? जब हम एरे बनाते हैं तो विद इन कर्ली ब्रैकेट हम विद कॉमा विद इन सिंगल कोट्स करेक्टर्स को लिखते हैं और एंड नल करेक्टर से करते हैं. स्ट्रिंग बनाने के लिए नल करेक्टर जरूरी है. अगर नल करेक्टर आप नहीं लगाइएगा तो वो एज अ स्ट्रिंग काम नहीं करेगा. तो प्रिंट एफ ट्यूटोरियल परसेंट एस बैक स्लैश एन नेम जब हम करेंगे तो वो नाम को क्लाउड प्रिंट कर देगा. सिक्स क्यों लिया है? क्योंकि लास्ट करेक्टर नल भी तो स्टोर होगा. तो जितना करेक्टर किसी नाम में होता है उससे एक ज़्यादा लेते हैं तो नल करेक्टर जब स्टोर हो जाता है तो वो स्ट्रिंग बन जाता है. रिटर्न जीरो क्यों किया है? क्योंकि हम टर्मिनेट करना चाह रहे हैं प्रोग्राम को. तो इस तरह से स्ट्रिंग को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक एरे और एक नेम. नेक्स्ट है ऑपरेटर. सी ऑपरेटर्स आर अ सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन. द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिच एंड बिल्ट इन ऑपरेटर. ऑपरेटर्स टेक पार्ट इन प्रोग्राम फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एंड वेरिएबल एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैविंग डिफरेंट फंक्शनिंग कैपेबिलिटी. अब सी के ऑपरेटर जो होता है वो स्पेशल मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए बना हुआ है. और भी बहुत से टाइप के ऑपरेटर हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से 9 तरह के ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करेंगे. पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कॉमा एंड कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर और टाइप कास्ट ऑपरेटर. ये टाइप कास्ट जो होता है वो कन्वर्जन के लिए होता है. तो सबसे पहले अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर लेते हैं. अर्थमेटिक जैसा कि नाम से पता है कि प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन और मोड का काम करेगा. तो जब हम इसको लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड परसेंट. परसेंट मीन्स मॉडुलस, मोड किसी भी नंबर का मोड निकालेगा. नेक्स्ट है यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड ऑपरेटर जनरली यूज्ड टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन. अब कम लिखना पड़े उसके लिए हम यूनरी ऑपरेटर लेते हैं. प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस मीन्स एक्स प्लस वन और माइनस एक्स एंड एक्स माइनस माइनस मीन्स एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन. But there is a slightly difference between plus plus or minus minus written before or after the operand. अब operand क्या होता है? जो expression में हम variable लेते हैं, किसी alphabet को जो हम लेते हैं वो operand होता है. Apply the pre-increment first, add one to the operand and then result is assigned to the variable on the left, whereas post-increment first assign the value to the variable on the left and increment the operand. अब ये समझिए, जब हम लिखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लें, इसको समझा देते हैं. एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू 5 है. जब आप लिखते हैं प्लस 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 a
प्लस प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ए में प्लस करेगा एक और तब आंसर देगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। लेकिन जब हम लिखते हैं ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, तो क्या करेगा ये, ए में ए को पहले प्रिंट करेगा, अगर हमने इसको प्रिंट किया तो ए को पहले 5 प्रिंट करेगा, अरे ए की वैल्यू 6 है तो वो 5 प्रिंट करेगा, ए प्लस प्लस में 5 प्रिंट कर देगा, प्रिंट करेगा, आंसर क्या हो जाएगा 5। तो पहले अगर प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट करके तब प्रिंट करेगा, और बाद में अगर प्लस प्लस है तो पहले जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा और तब फिर इंक्रीमेंट करेगा, तो दो डिफरेंट चीज हो गई। इसी तरह जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ए करने पर पहले वो आंसर क्या देगा, आंसर देगा 4, और ए माइनस माइनस करने पे वो आंसर देगा 5। मतलब ए में अगर 5 था तो पहले माइनस अगर लगाएंगे तो पहले माइनस करेगा तब आंसर देगा, और जब हम ए में बाद में माइनस करेंगे तो वो आंसर 5 देगा, क्यों, क्योंकि ए में 5 है। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करेगा, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयरिंग टू क्वांटिटी और वैल्यू, क्वांटिटीज और वैल्यूज, अब दो वेरिएबल हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं। अगर ए और बी दो की वैल्यू हम देते हैं, ए इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इक्वल्स टू 6, अब हम देते हैं ए इक्वल्स टू बी, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ए इक्वल्स टू बी जब हम देंगे तो आंसर फॉल्स मिलेगा, 0 मिलेगा, नॉट इक्वल्स टू तो ट्रू मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स मिलेगा, ए इज लेस देन बी ट्रू मिलेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी नो, इक्वल्स टू बी भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, लेस देन इक्वल टू बी है तो लेस देन है तो ले लेगा ट्रू, तो उसके ट्रू और फॉल्स कंडीशन रिटर्न होगी 1 और 0। अब आया हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के बाद आएगा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, जो लॉजिक से बने, तो इसमें एंड और नॉट आता है। सी प्रोवाइड 3 लॉजिकल ऑपरेटर व्हेन वी टेस्ट मोर देन 1 कंडीशन टू मेक अ डिसीजन, दीज आर एंड और एंड नॉट। तो एंड क्या करता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ट्रू देगा, और क्या होगा, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तब ट्रू देगा, और नॉट क्या देगा, जो कंडीशन है उसका रिवर्स कर देगा, उसको निगेट कर देगा। तो अगर हमारा ए इक्वल्स टू 5, अगर हमारा एग्जांपल ले लें तो ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 6 है, तो क्या करेगा वो, जब एंड लेंगे तो क्या देगा, इन केस ऑफ एंड इट विल गिव 0, इन केस ऑफ और इट विल गिव 1, एंड इन केस ऑफ नॉट ए देंगे तो ये क्या करेगा, निगेटिव कर देगा कंडीशन को, तो क्या देगा, Not A equals to 0 is not equals to B, तो ये क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, क्योंकि A B के बराबर नहीं है, या निगेट करेंगे कंडीशन not 1 तो क्या देगा आंसर,
जीरो, और जब हम देंगे नॉट जीरो तो ये देगा वन, रिवर्स कर देगा कंडीशन को। अब आया बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, लेफ्ट बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट होता है, बाइनरी राइट शिफ्ट होता है, बाइनरी वन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, बाइनरी एंड ऑपरेटर होता है, बाइनरी जोर ऑपरेटर होता है, बाइनरी और ऑपरेटर होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट जब करेंगे तो क्या होगा, राइट शिफ्ट क्या करेंगे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में अभी हम इसको प्रैक्टिकली हमने करा है, इसको आपको हम दिखा देंगे। तो एंड जो है वो एंड ऑपरेटर है, ग्रेटर जो है जोर ऑपरेटर है, और पाई जो है और ऑपरेटर, और टाइल इज फॉर नॉट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बिट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है, अभी हम नीचे प्रैक्टिकली हमने करा उसको बताते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन टू ए वेरिएबल सी एज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ए बी वेरिएबल एंड सी एज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सी वेरिएबल, तो शॉर्ट एंड इट हैज सी हैज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट एंड असाइनमेंट। शॉर्ट एंड क्या होता है, हम पूरी एक्सप्रेशन लिखे हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस टू, उसकी जगह हम ए प्लस इक्वल्स टू टू लिख सकते हैं, ए माइनस इक्वल्स टू टू लिख सकते हैं। ए में अगर हमारा फाइव है तो क्या हो जाएगा, प्लस टू से सेवन, माइनस टू से फाइव, मल्टीप्लाई से फाइव इंटू टू टेन हो जाएगा, टेन डिवाइडेड बाई टू फाइव हो जाएगा। ए मॉडुलस 2 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाएगा, मॉडुलस मीन रिमाइंडर आएगा। फिर आपका आया बी एंड इक्वल्स टू 8। अब ये क्या है, बाइनरी एंड ऑपरेटर है। अब एंड ऑपरेटर जब हम काम करते हैं तो क्या होगा, वो बी में हमारा 10 है, 10 और 8 लेगा और उसको एंड करके 8 निकाल देगा। कैसे निकालेगा अभी हम इसमें नीचे आपको बताते हैं। इसमें ये देखिए, जब यहाँ पे 10 लिया और 8 लिया तो क्या हुआ, केवल इस वाले में 1 है, तो जब ये 1 लेगा तो आपका आंसर 8 आ जाएगा, क्योंकि एंड में जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होता है, तो इसमें दोनों ट्रू है इसलिए आंसर 8 हो जाएगा। अब इसी तरह से और लेंगे, और में क्या होगा, अभी क्या हो गया है, बी में 8 हो गया है, और हम जब उसमें 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि और कंडीशन में कोई एक 1 होगा तो वो 1 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आया हमारा जोर, एक्सक्लूसिव और। जब हम क्रिएटर लगाते हैं तो क्या होता है, ये प्रोग्राम सी का है, आप इसको रन करके देखिएगा आपको आ जाएगा। तो जब हम क्रिएटर लगाते हैं तो क्या हुआ, अब हमारा बी में 12 हो चुका है, तो 12 में जब हम 5 का ऐड करेंगे, 5 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, जहां जहां एक 1 है वहां पे तो 1 ले लेगा, जहां पर सेम वैल्यू है उसको 0 कर देगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कैसे 9 आ रहा, पहली पोजीशन 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 1 2 4 8, 8 और 4 क्या है, 12 है, इसी तरह इसमें 1 2 4 8 डबल होता जाता है ना बाइनरी में, तो इसको 8 दे देगा। तो एक बार एक दिन हम बाइनरी भी पढ़ा देंगे, जिससे बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की कैसे उसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपको आ जाएगा। अब आया शिफ्ट राइट। अब शिफ्ट राइट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट राइट जब हम करते हैं तो वैल्यू जितनी बार 2 बार दी गई है तो दुगने से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। क्यों होगा, क्योंकि शिफ्ट राइट जब हम करेंगे तो 1 आपका 8th पोजीशन से घट करके 6th पोजीशन पे आ जाएगा। 6th पोजीशन पे क्या, इधर से देखिए 1 2 4 8 16 32, तो 32 पे 1 आ गया। अब इसी तरह जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 कहाँ चला जाएगा, 8 से खिसक के वो 9 10 पे चला जाएगा, तो 10 पे क्या है हमारा 1 2
128, 256 और एक ये ज्यादा है यहाँ पे 1, तो 1 पे क्या आ जाएगा 512 आ जाएगा, क्योंकि आप 128 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 8 32, 3 कैरी ऑन हो गया, 4 2 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 और 4 बन जा 4 और 1 512 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो ये 8 9 10 10 पे आ जाएगा, 10 पे 1 क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। तो इस तरह से ये शिफ्ट लेफ्ट होने पर वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखिए इसका आउटपुट इसीलिए इस तरह से आया है, जो हमने ऊपर आपको लिख करके बताया यहाँ पर। तो इस तरह से हम बिटवाइज एंड और एक्सक्लूसिव और, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। इंक्लूसिव कौन सा होता है, जो पाई वाला होता है, और एक्सक्लूसिव कौन सा होता है, जो क्रेटर वाला होता है। तो इस तरह से हम सीमेंस को रन करके इसका आउटपुट निकाल लेंगे। अब आया कॉमा एंड कंडीशनल ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट अ पेयर ऑफ एक्सप्रेशन एंड इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट्स क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। कॉमा किस लिए यूज किया जाता है, कि ऑपरेशन के सीक्वेंस को डिफाइन करता है। और लेफ्ट से जब लेफ्ट में जब होता है आपका ये कॉमा, तो उसका मतलब होता है कि वो void टाइप का है। इट्स ऑलवेज इवेल्युएटेड एज void। लेफ्ट में कॉमा का मतलब होता है कि वो किसी भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है। दिस मीन्स दैट एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड बिकम द वैल्यू ऑफ टोटल कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन। जो भी राइट हैंड साइड की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी। कॉमा ऑपरेटर यूज्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट, द वैल्यू असाइंड इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट एक्सप्रेशन इन द कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसी एक्सप्रेशन में आपको समझाएंगे। यहाँ पे है x इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 2 कॉमा y माइनस 1। तो y सबसे पहले कॉमा लगा है, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 में माइनस 1 जब हम करेंगे तो x में वैल्यू 1 चली जाएगी। तो कॉमा क्या कर रहा है, सीक्वेंस बता रहा कि पहले y कोड में 2 डालो, फिर उसके बाद माइनस 1 करो। फर्स्ट असाइन y द वैल्यू 2, देन c द वैल्यू 1, देन x, देन y, की वैल्यू 1 हो जाएगी। और पैरेंथेसिस इज नेसेसरी सिंस कॉमा ऑपरेटर हैज अ लोअर प्रेसिडेंस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हम लोग प्रेसिडेंस भी पढ़ेंगे कि कौन से ऑपरेटर को पहले वो ऑपरेट करता है, कौन से ऑपरेटर को बाद में। कॉमा क्योंकि लो प्रेसिडेंस है, इसलिए ब्रैकेट जब हम लगा देंगे तो पहले वो y इक्वल्स टू 2 करेगा और फिर y माइनस 1 करेगा। y लो प्रेसिडेंस, देन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम ये कर देंगे तो इक्वल पहले काम कर देगा और कॉमा नहीं करेगा। तो ब्रैकेट लगा देने से पहले ब्रैकेट के y इक्वल्स टू 2 को ऑपरेट करेगा, तब फिर y माइनस 1 को करेगा। जनरली कॉमा ऑपरेटर यूज इन फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, हम दो लूप एक साथ चला सकते हैं। इसमें i इक्वल्स टू 0 किया, j इक्वल्स टू n किया। अब ये देखिए इन दोनों में कॉमा लगा हुआ है। कॉमा लगाने से एक, इसमें तीन कंडीशन होती है, स्टार्ट कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर i को तो 0 लिया और j को n लिया, n जो भी हम डाल देंगे वो आ जाएगा। तो I less than j और I की वैल्यू हमेशा j से, तब तक ये लूप काम करेगा जब तक कि कंडीशन क्या है, j से I की वैल्यू कम हो। अब I को प्लस प्लस कर रहे हैं क्यों, क्योंकि I जीरो है तो बढ़ेगा, और j को माइनस माइनस कर रहे हैं क्योंकि j इक्वल्स टू n बड़ी वैल्यू है तो वो घटेगी। अब प्रिंट a किया और तब तक ये प्रिंट होगा जब तक कि I की वैल्यू j से कम होगी। सो By using comma operator, we are using two loop in a single for loop
expression like I equals to 0 and j equals to n. And I plus plus और j minus minus इसके बीच में भी देखिए कॉमा है, क्यों? क्योंकि ये एक कंडीशन है लेकिन दो लूप चल रहा है. कंडीशनल ऑपरेटर, नाउ द कम द कंडीशनल ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर सी ऑफर अ टर्नरी ऑपरेटर विच इज अ कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क कोलन इन कॉम्बिनेशन टू कंस्ट्रक्ट अ कंडीशनल एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क इक्वल कंडीशनल ऑपरेटर, ये इसका यूज जो होता है ना कि एक ही लाइन में दो कंडीशन को चेक करने के लिए होता है. मान लीजिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल x ग्रेटर देन 1, तो क्या करें? कॉमा करे और 1 दे दे, नहीं तो 0 दे दे. तो दो कंडीशन को वो चेक करेगा, यहाँ पर कोलन लगेगा. तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं. अब आया स्पेशल ऑपरेटर. स्पेशल ऑपरेटर क्या होते हैं? सी सपोर्ट सम स्पेशल ऑपरेटर. Size of and in star. Return the size of memory location. कितनी साइज की मेमोरी, कौन सी टाइप का डेटा टाइप ले रहा है, वो साइज ऑफ से निकल आता है. एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ये रजिस्टर्ड वेरिएबल के लिए यूज होता है और स्टार पॉइंटर वेरिएबल के लिए यूज होता है. अब ये सब डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल. प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर. अब साइज ऑफ ऑपरेटर को कैसे हम लोग लिखते हैं, इसके लिए लिखा है void main std io standard I input output header file int I equals to 10 variable defining the assigned value print integer percent d backslash n and backslash n क्यों ले रहे हैं, return के लिए ले रहे हैं कि next line पे चला जाए new line पे. और size of I, तो साइज ऑफ आई जब देंगे तो ये इंटीजर है तो 2 बाइट्स दे देगा आपका. टाइप कास्ट ऑपरेटर, लास्ट में आया टाइप कास्ट ऑपरेटर. व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप आर मिक्स्ड इन एक्सप्रेशन दे आर कन्वर्टेड टू द सेम टाइप ऑफ ऑटोमेटिकली. अब एक वैल्यू हमारी इंट में है, दूसरी फ्लोट में है, तो वो ऑटोमेटिकली बड़े वाले में कन्वर्ट हो जाती है. ऑल कैरेक्टर एंड शॉर्ट इंट्स आर कन्वर्टेड टू इंट. करेक्टर और इंट जो है वो इंट में कन्वर्ट हो जाता है. फ्लोट जो होता है वो डबल में कन्वर्ट हो जाता है. इन केस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर वन ऑफ टू ऑपरेटर इज लॉन्ग डबल देन अदर ऑपरेटर इज कन्वर्टेड टू द लॉन्ग डबल. अगर दो एक लॉन्ग है एक लॉन्ग डबल है तो लॉन्ग डबल में हो जाएगा. अगर डबल है तो कन्वर्ट होगा डबल में. If operand is long, तो long में हो जाएगा. Operand unsigned है, तो unsigned में convert हो जाएगा. It depends कि variable किस तरह का, operand किस तरह का, उस हिसाब से conversion big वाले में हो जाता है. See, convert all operand up to the type of largest operand. Largest in term of memory requirement for the float requirement requires 4 byte and storage of int requires 2 byte of storage. So if one operand is in the other is floating, it is convert to the float. क्यों float में convert होता है? क्योंकि float वाले value को 4 byte चाहिए होता है. अगर वो नहीं convert होगा तो वो result सही नहीं दे पाएगा. All above conversion are automatic, but if int is too converted to float, it is possible to force an expression to be specific type by using operator called cast. The syntax is as follow. Type an expression where type is a standard C data type. For example, if you want to make sure that expression a by 5 would evaluate to type float, you would write it as float a by 5. बहुत बार होता है कि point वाली value print नहीं होती, आप परेशान होते हैं कि C में क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये type cast लगाना पड़ेगा. जो भी value print करना चाह रहे हैं उसके आगे float लिखिएगा जब, तो वो decimal value भी आपकी print कर देगा.
Cast is a unary operator and has a same precedence as any other unary operator. The use of cast operator is explained in following example. अब इस example में आप देखिए, यहाँ पर int num हमने define किया, लेकिन इसको float में print करना है क्योंकि divide होने पर decimal आ जाता है. तो यहाँ पर देखिए float form में इसको specify format specifier कहते हैं, जिसको यूज करके हम अपने नंबर को फॉर्मेटिंग कर लेते हैं फ्लोटिंग टाइप में टाइप कास्ट ऑपरेटर लगा के. कास्ट ऑपरेटर विल एंश्योर दैट फ्रैक्शन पार्ट इज आल्सो डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन. और जब ये ऐसा आप करिएगा तो फ्रैक्शन पार्ट भी डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो डेसिमल पोर्शन नहीं दिखाएगा. तो टाइप कास्ट इसलिए यूज होता है कि हम डेसिमल पोर्शन को भी दिखा पाए. Now the priority of operators. कौन सा ऑपरेटर पहले काम करता है, कौन से बाद में, इसको हम सी में हमको जानना जरूरी है. ऑपरेटर यूज इन एक्सप्रेशन सी हैज अ सर्टेन हायरार्की टू सॉल्व काइंड ऑफ मिक्स्ड एक्सप्रेशन. द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर टाइप ऑपरेटर एंड एसोसिएटिविटी. अब यहाँ पे ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में आपका स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले यूज होता है जो लेफ्ट टू राइट होता है. लेफ्ट टू राइट जो ब्रैकेट आएगा उसको पहले वो काम करेगा कि यूनरी ऑपरेटर टाइप कास्ट ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स आएंगे. जिसमें से यूनरी में आपका नॉट प्लस प्लस माइनस माइनस, टाइप कास्ट में टाइप और साइज ऑफ में साइज आएगा. ग्रेटर मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस, उसके बाद ये आएगा. फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर रिलेशनल ऑपरेटर आएगा, फिर इक्वल नॉट इक्वल ऑपरेटर आएगा, फिर आपका एंड और ऑपरेटर आएगा, एंड लॉजिकल ऑपरेटर आएगा. दैट मीन्स आपका लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है एंड और नॉट होता है. इसको यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर लिख सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर. फिर टर्नरी ऑपरेटर, अभी हमने बताया क्वेश्चन मार्क कोलन टर्नरी कंडीशन होगी. शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड में अभी हमने आपको बताया कि a इक्वल्स टू a प्लस वन लिखने की जगह a प्लस c इक्वल्स टू वन लिख सकते हैं. फिर आपका आया कॉमा ऑपरेटर. कॉमा ऑपरेटर क्या होता है, कॉमा ऑपरेटर भी अभी हम लोग ऊपर पढ़ा फॉर लूप में. अब आए स्पेशल सिंबल इन सी. इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली स्पेशल सिंबल हैव सम स्पेशल मीनिंग एंड देन दे कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस. सम ऑफ द स्पेशल सिंबल दैट आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम इज बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा, सेमी कोलन, स्टार, इक्वल एंड हैश. Let the understand their definition which are as follows. Bracket. Opening and closing of bracket are used for arrays element reference with indicate single and multiple dimension subscripts. अब ये array के लिए use होता है बड़ा bracket. Parenthesis. These special symbol are used for function calls and function parameter. अब ये parameter function में parameter और calls के लिए use होता है. फिर आया कर्ली ब्रैकेट. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ द कोड विच कंटेन मोर देन वन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. जैसा अभी हम लोग ने मेन में पढ़ा, मेन में क्या होता है, पहले मेन फंक्शन होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, जिससे मेन का ब्लॉक बन जाता है. अब आया कॉमा. Comma is used to separate more than one statement like separating parameter in function call. एक से ज़्यादा function या को separate करने के लिए, statement को separate करने के लिए comma use होता है. Colon. It is operator which essentially invokes something called as an initialization list. अब initialization list के लिए ये use होता है. Semicolon. Colon. Semicolon is also called the statement terminator that indicates the end of the logical entity. That is reason each individual statement must be end with a
सेमी कोलन। आपने सी में देखा कि जितने भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो सेमी कोलन से एंड होते हैं, इसीलिए इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। एस्ट्रिक, इट इज यूज टू क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल, जो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज टू असाइन द वैल्यू। देन हैश ऑपरेटर, हैश ऑपरेटर इज अ प्री प्रोसेसर कॉल्ड एज अ मैक्रो प्रोसेसर, इज यूज बाय द कंपाइलर टू ट्रांसफॉर्म योर प्रोग्राम बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट। अब जितने भी हेडर फाइल है, जितने भी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, उसके पहले हम हैश लगाते हैं, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर है जो कि कंपाइलर को बताता है कि कैसे प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म करें। द टेबल गिवन बिलो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव मीनिंग ऑफ स्पेशल सिंबल यूज इन अ सी प्रोग्राम। तो सिंबल और उसकी मीनिंग और उसके नाम, तो पहला टाइल, दूसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क जो नॉट के लिए यूज होता है, हैश जो प्री नंबर साइन है जो कि प्री प्रोसेसर के लिए यूज होता है, डॉलर साइन आपका स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, परसेंट जो पर साइन जो मॉड्यूलस के लिए यूज होता है, क्रिएटर जो है जॉर के लिए रीयूज होता है, परसेंट जो एंड के लिए यूज होता है, स्टार एस्ट्रिक जो पॉइंटर के लिए यूज होता है, लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस जो फंक्शन के लिए यूज होता है, माइनस प्लस एंड डॉट एंड कॉमा अंडरस्कोर प्लस साइन और कॉमा अंडरस्कोर आपका वेरिएबल डिफाइन करने में यूज होता है, प्लस साइन आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए यूज होता है, कॉमा आपका सीरियलाइजेशन के लिए होता है, एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा कौन सा आएगा उसका सीक्वेंस सेट करता है, डॉट जो होता है वो आपका पॉइंटर में भी यूज होता है, स्लैश बैक स्लैश आपका यूज होता है, एस्केप सीक्वेंस वर्टिकल बार आपका लाइन खींचने के लिए यूज होता है, बैक स्लैश आपका एस्केप सीक्वेंस के लिए यूज होता है, स्लैश जो होता है वो आपका डिफरेंट पाथ के लिए यूज होता है, और एपोस्ट्रफी आपका सिंगल करेक्टर डिफाइन करने में यूज होता है, माइनस साइन जो होता है माइनस के लिए यूज होता है, इक्वल लेस देन ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर में यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक के लिए यूज होता है, बिग ब्रैकेट एरे के लिए यूज होता है, कोलन अभी अब बताया आपको, और कोट्स मार्क स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, सेमी कोलन टर्मिनेटर के लिए यूज होता है। तो इस तरह से आज का पार्ट टू खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे और भी बहुत सी चीज़ें जो हम लोगों को पढ़नी है सी में। जब ये सारे फंडामेंटल चीज़ हम जान जाएंगे तब हम प्रोग्रामिंग पे आ पाएंगे। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, गो टू द कम्युनिटी एंड कमेंट देयर, एंड प्लीज़ हेल्प मी टू इंक्रीज माय वॉच टाइम, see my video and comment and tell me what is the deficiency or is it good, how is it, please comment on my video, thank you.